फिश फ्राई हो चुकी है, अच्छे से गोल्डन हो गई है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखो, ठीक है, अच्छे से ब्राउन हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं फिश फ्राई, ठीक है। उसके लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं, मसाला लगाएंगे। ये 1 किलो फिश हमने ले ली है मली, ठीक है, और इसको धो लिया अच्छे से। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले है लहसुन पाउडर छोटा आधा चम्मच, हल्दी छोटा आधा चम्मच, नमक छोटा आधा चम्मच, दादर मिर्च छोटा आधा चम्मच, और रेड मिर्च छोटा आधा चम्मच, और ये अजवाइन है, अजवाइन छोटा आधा चम्मच, ज़ीरा छोटा आधा चम्मच, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर है ये 1 बड़ा चम्मच, ठीक है, और 4 से 5 ये लीमू, उनका रस हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारा। हम इसमें फिश को लगाएंगे और फिर इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए तकरीबन 24 घंटे के लिए। इस तरह का एक बोल ले लें, बोल के अंदर फिश को डालें, ठीक है, और एक एक करके मसाला इसके अंदर डालते जाएं, बेशक सारे डाल दें इकट्ठे, हमने नोट कर लिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है, और साथ ही इसके लीमू का रस ऐड कर दें। ये चेक कीजिएगा कि मसाला जो है अच्छे से सारे पीसों पे लग जाए, ऐसा ना हो कि कोई मसाला कोई पीस मसाले के बगैर रह जाए। ये देखें, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लग रहा है, और इसके ऊपर हर पीस के ऊपर इस तरह लगाना है आपने, इस तरह लगाना है ताकि पूरा प्रॉपर जो है ना लग जाए उसके ऊपर। एक एक पीस करके हम सबके ऊपर लगा लेंगे अच्छे से, इसको थोड़ा थोड़ा मसल भी देंगे ताकि अच्छे से लग जाए उसके ऊपर, ठीक है। और ये लगाने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 24 घंटे के लिए रखेंगे। वैसे तो इसको हम कम भी रख सकते हैं, तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर ये मैरिनेशन हो जाती है इसकी, लेकिन फिर भी अच्छे से मैरिनेशन के लिए और ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेने के लिए इसको हम 24 घंटे के लिए रखेंगे ताकि मसाला इसके अंदर सही से रच जाए और इसका जायका जो प्रॉपर आना चाहिए वो आए, ठीक है। और इंशाल्लाह हम ये इसको अच्छे से मसाला लगाने के बाद इसको हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कह लेंगे नीचे वाले खाने में रखेंगे, ऊपर फ्रीजर में नहीं रखेंगे, नीचे वाले खाने में रखेंगे, किसी चीज़ के ऊपर डाम के इसको रख देंगे, और फिर इसको इंशाल्लाह निकाल के फ्राई करेंगे आपके सामने। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक इजाज़त, अल्लाह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। 24 घंटे फिश को हो गए हैं, अच्छे से मैरिनेशन उसकी हो गई है, देखें मसाला उसके ऊपर ठहरा हुआ है, चिपका हुआ है, तो इस तरह होना चाहिए 24 घंटे बाद, ठीक है। और पैन हमने आग पे रख दिया है, ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम फिश को फ्राई करेंगे। ध्यान से डालिएगा, ऑयल बहुत गर्म है, ठीक है, और आंच को स्लो रखिएगा ताकि फिश जो है अंदर से पक जाए, कच्ची ना रहे, इस वजह से आप स्लो रखिएगा, मीडियम, तकरीबन मीडियम, ठीक है। अभी तो फिश को हम नहीं छेड़ेंगे, एक साइड से पक जाएगी फिर दूसरी साइड से चेंज करेंगे। अगर अभी चेंज करेंगे तो वो पैन के साथ चिपक जाएगी और प्रॉब्लम करेगी। अभी इसको थोड़ा पकने देंगे, जब एक साइड से पक जाए फिर उसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। जी नाज़रीन, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब फिश को हम उसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इस कंडीशन में आ गई है नीचे से, ठीक है, तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पकाएंगे। जब से इस तरह पक जाएगी
तो उसके बाद फिर हम इसको निकाल के डिश ऑफ कर देंगे। चलो जी, फिश फ्राई हो चुकी है, अच्छे से गोल्डन हो गई है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखो, ठीक है, अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, प्लेट के अंदर टिश्यू रखेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। अगर टिश्यू वगैरह या कोई चीज़ ना इसके नीचे रखें, पेपर वगैरह ना रखें कोई, तो बहुत ऑयली ऑयली फील होती है। लेकिन वो इस तरह अगर नीचे टिश्यू रख लेंगे तो बेहतर है वो। अब इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, डिश आउट कर ली है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बहुत मज़े की बनी है। आप इसको रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।